नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध खनन के विरोध में गंगा समग्र बांदा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांदा में रविवार को अवैध खनन के विरोध में गंगा समग्र बांदा के जिला संयोजक महेश कुमार प्रजापति के तत्वाधान में केनपत रोड में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला संयोजक महेश कुमार प्रजापति ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बांदा जनपद में अवैध खनन का कार्य काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है और तो और नदी के बीचों बीच पोकलैंड मशीनों से नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आए दिन समाचारों में खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से केन जल के अस्तित्व को खतरा है। अवैध खनन करने वाले लोग अपनी आवश्यकता से अधिक एवं मानक के विपरीत जाकर खनन कर रहे हैं, जो कि केन नदी के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। जिला प्रशासन भी अवैध खनन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जो कि अत्यंत ही दुखद बात है। आगे कहा कि नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत नदियों के जल को संरक्षित करने तथा नदियों में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं के निवास स्थान को यथास्थिति के रूप में बनाए रखना जाना उचित है। अंत में महेश प्रजापति ने कहा कि बांदा जिले में अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए एवं जिला प्रशासन को खनन माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। क्राइम 24 आवर्स से मितेश कुमार की रिपोर्ट। जी, केन नदी है, आप महिलाएं हैं, लगातार पानी की आवश्यकता आप लोगों घर में पड़ती है, लेकिन जब मशीनें इतनी बड़ी बड़ी हैं, खोदी जा रही हैं, पानी कम जाएगा तो क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? पब्लिक परेशान होगी और नदी के किनारे बीच से मशीनें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि पब्लिक ही परेशान होगी और उनकी मशीनों के चलने के कारण बाढ़ आ सकती है, उसमें लोगों के घर गिरेंगे, पानी गंदा दे रहे हैं। शासन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, और इनकी मिली भगत से ही इतनी सारी मशीनें चल रही हैं। अधिकारी सब मिले जुले रहते हैं और उनको संकेत देते रहते हैं कि काम करो। ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि गंगा साफ रहे। हम लोग केन नदी में आरती वाला कार्यक्रम करते हैं, विश्व हिंदू महासंघ से भी जुड़े हैं और ये समिति से भी जुड़े हैं, गंगा समिति से, जिले के प्रमुख हूँ, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और गंगा को, नदी को स्वच्छ और साफ करना चाहते हैं। नहीं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिला संयोजक गंगा समर कानपुर का। किस संबंध में आज प्रेस वार्ता? आज हम लोग ये प्रेस वार्ता, हम लोग की बैठक जो है ये केन नदी को लेकर है। हम लोग लगातार 4 से 5 वर्ष हो गए हम लोग आरती करा रहे हैं, लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम कहते हैं खनन करिए, सीमा में करिए, नदी के बीच में कोई पोकलैंड मशीन मत चलाइए, क्योंकि नदी के बीच में अगर पोकलैंड मशीनें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं जीव जंतु हैं, कछुआ हैं, और जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा मिशन के तहत जो है नमामि गंगे के मिशन के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वो सभी मिशन फेल हो रहा है इनके वजह से, और लगातार कई कार्यक्रम हम भी आयोजित करवाते हैं नदी संरक्षण को लेकर। अच्छा, इसी के नदी की पूछा बांदा जनपद के जिला अधिकारियों ने भी की? जी हाँ। फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? समय समय पर अधिकारी भी हम लोग घाट पे आरती में करवाते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब कार्रवाई कहीं ना कहीं ये जो है मिली भगत से हो रहा है भाई, मिली भगत है अधिकारियों की यहाँ की, भाई शासन तो बराबर है, कार्रवाई कर रहा है, जब यहाँ रिपोर्ट है तो कार्रवाई हो जाती है, आपको पता ही है जुर्माना लग जाते हैं, लेकिन यहाँ की मिली भगत की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसी एक खदान है जिसपे 3 बार कार्रवाई हुई है लेकिन फिर भी उसमें मशीनें चल रही हैं, तो यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से है। अगर यहाँ का प्रशासन टाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खदान नहीं चलेंगी। इस गतिविधि से स्थानीय जल स्तर पर क्या असर हो रहा है और क्या इससे बाढ़ सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है? इसमें अभी जानकारी मिल रही है कि जैसे पानी आता नदी से जो शहर में सप्लाई होता है, लंबा तो गंदा पानी जा रहा है, टंकियों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा। हम लोगों ने देखा तभी जाके कि टंकी के पहले वो बनी हुई है कि नाली में पानी आता है, नाली में पानी आता है, नाला टाइप बना छोटा सा इतना होगा, मुझे लगा 10 फुट का होगा, चौड़ा 10-8 फुट का, उस पानी में जो टंकियाँ बनी हुई हैं वो टंकी मतलब रिसीव करती है पानी, उसमें सफाई होती है, अब वो पता नहीं कितनी सफाई करती कि नहीं करती। सेकेंड नंबर जो केन नदी में नाले गिर रहे हैं, 3 वो नाले बिल्कुल है। क्या अधिकारियों को सूचित करेंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल हम लोग अवगत कराएंगे, अभी ये समय समय पर मुद्दा उठाएंगे, हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई के लिए मांग करेंगे और समय समय पर हम लोग नदी का निरीक्षण भी करेंगे, जहाँ पे पोकलैंड मशीन उनको प्रतिबंध करवाने की मांग करेंगे, और हम लोग टीम गंगा समर की पूरे जिले की नदी से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी कराने के लिए बाधित होगी।
खबर में बस इतना ही, बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।